हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं प्रॉब्लम सेट पाइथागोरस थ्योरम चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 1 है। इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, जो आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। टोटल इसके अंदर 8 क्वेश्चन है, हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला कि आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट पता होगा क्योंकि आपने प्रैक्टिस सेट किया है। तो हमको ये बताना है कि इन चार में से किसको आप बोलोगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो आपको मालूम है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट वो तीन नंबर होते हैं जो पाइथागोरस का जो फॉर्मूला है वो सेटिस्फाई करते हैं। ये वाला ए सी स्क्वायर का वैल्यू, मतलब हाइपोटनस का स्क्वायर का जो वैल्यू रहेगा वो वैल्यू, और बाकी का जो दोनों साइड है उसके स्क्वायर का वैल्यू, दोनों इक्वल रहना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको मालूम है कि राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटनस का जो लेंथ होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो अगर इस ऑप्शन पे ध्यान देते हो आप, तो तीनों वैल्यू सेम दिया, ये पॉसिबल ही नहीं है ट्रिपलेट के लिए। तो ये एक तो सीधे ही रॉन्ग हो जाता है। यहाँ पे अगर आते हो तो अगर एक हाईएस्ट वैल्यू को आप 5 लेते हो, तो अगर हाइपोटनस 5 है तो बाकी का जो दो साइड रहेगा वो उससे कम ही रहेगा बच्चों, कम ही रहेगा वो। तो यहाँ पर कम के जगह पर एक को और 5 दे दिया है, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर कैंसिल हो जाता है। तो अब बचता है आपके पास दो ऑप्शन। अब इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो इसको हाइपोटनस लेना पड़ेगा। तो 10 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि हाइपोटनस का स्क्वायर का वैल्यू देखना पड़ता है। फिर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। दोनों को अगर आप प्लस करोगे तो 26 मिलेगा, जो कि दोनों इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल होना चाहिए, तो ये भी रॉन्ग है। तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो रहा है, बच रहा एक ही है। अब इसको एक बार सिर्फ वेरीफाई करते हैं, है तो वही आंसर लेकिन एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। तो इसमें आपको हाइपोटनस ये लेना पड़ेगा क्योंकि सबसे बड़ा ही होता है हाइपोटनस। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा। फिर 3 का स्क्वायर 9 मिल जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 मिल जाएगा। 9 को और 16 को अगर आप प्लस करते हो तो भी आपको मिलता है 25। तो ये दोनों इक्वल हो रहा है, तो ये उसका आंसर है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश होता है, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या लिखा है कि इन ए राइट एंगल ट्राइंगल, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल में इफ़ सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स मेकिंग राइट एंगल, मतलब वो साइड जो राइट एंगल बना रहा है। तो देखिए एक ये साइड है और एक ये साइड है, ये दो ऐसे साइड है जो राइट एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री बना रहे हैं। उनके स्क्वायर करोगे, अगर उनके साइड का जो भी वैल्यू उसको स्क्वायर करोगे और उसको सम कर दोगे तो आपको मिलेगा 169। मतलब ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर, ये दोनों मिला के आपको मिलता है 169, ये दिया हुआ है। फिर आपसे बोला कि देन व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द हाइपोटनस, तो ये जो हाइपोटनस है इसका लेंथ क्या है। आपको हाइपोटनस ए सी का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा, ए सी का वैल्यू है स्क्वायर ने स्टूडेंट्स। तो आपको मालूम है पाइथागोरस का फॉर्मूला ए सी स्क्वायर विच इज इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब यहाँ पे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये दोनों के स्क्वायर का सम आपको दिया 169, ये पूरा मिला के देखिए, पूरा मिला के आपके पास है 169, जो कि ए सी के स्क्वायर का वैल्यू हो रहा है। तो आपको मालूम है कि ए सी का वैल्यू उसका स्क्वायर रूट रहेगा 169 का, और 169 का स्क्वायर रूट आपको मालूम है 13। तो ए सी हो जाता है 13, और 13 ऑप्शन यहाँ पे दिया ऑप्शन नंबर बी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए सेकेंड क्वेश्चन फिनिश होता है, थर्ड देखते हैं। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा है, आउट ऑफ द डेट्स गिवन बिलो विच डेट कंस्टिट्यूट्स ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये डेट्स हैं और आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा डेट है जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉलो करता है। तो सबसे पहले ये ऑप्शन पे मैं आपको लाना चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ा अगर एक वैल्यू लोगे तो वो 16 है, और मैंने आपको बोला कि हाइपोटनस का अगर वैल्यू 16 है तो बाकी का जो दो साइड रहेगा वो हाइपोटनस के इक्वल में नहीं हो सकता है, जबकि एक वैल्यू आपको इक्वल में दिया है। तो सबसे पहले ये ऑप्शन तो कैंसिल ही हो जा रहा है। उसके बाद देखिए तीन ऑप्शन आपके पास बचता है, और पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मैंने ट्रिक के ऊपर एक वीडियो बनाया था जहाँ पे आप ट्रिक से फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। मैंने बोला था कि ऑब्जेक्टिव में खास करके उसका फ़ायदा होता क्योंकि एक ही आंसर राइट होता, बाकी सब रॉन्ग होते हैं। तो चलिए हम यहाँ से ट्राई करते हैं। यहाँ पे 4, 9 और 15 है। ट्रिपलेट का जो ट्रिक का जो रूल था उसमें सबसे छोटे नंबर को लेना पड़ता है। सबसे छोटा नंबर अगर इवन है तो आपको फर्स्ट रूल में उसको हाफ करना पड़ता है, सेकेंड रूल में आपको मालूम है उसका स्क्वायर करना पड़ता है। 2 का स्क्वायर 4 आ रहा है, 4 के पहले एक नंबर 3 आना चाहिए जो कि 9 दिया है, 4 के बाद एक नंबर 5 आना चाहिए जो कि 15 दिया है। तो ये ट्रिपलेट फॉलो नहीं कर रहा है। अगर ये ट्रिक नहीं समझा तो इसके ऊपर एक वीडियो है पूरा ट्रिक के ऊपर, पाइथागोरियन ट्रिपलेट के ऊपर, ऊपर आई बटन पे आपको मिल जाएगा, या तो वीडियो के लास्ट में आपको एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा। चलिए ये ट्रिपलेट नहीं है तो ये भी रॉन्ग हो रहा है, इस पे ट्राई करते हैं। यहाँ पे सबसे छोटा जो नंबर है वो ऑड है, और इवन का रूल अलग है, ऑड का रूल अलग है, तो
आपको वीडियो में पता चलेगा, हम यहाँ पे फास्ट में कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है जो 9 हो जाएगा, फिर 9 का हाफ करना है जो आपको मिल जाएगा 4.5। तो एक नंबर 4 होना चाहिए और एक नंबर 4 के बाद 5 होना चाहिए, तो 4 और 5 आना चाहिए, जबकि यहाँ पे वो भी नहीं है, तो ये भी कैंसिल हो रहा है, तो बचता तो एक ही है। चलिए इसको भी हम इसी रूल से कर लेते हैं, तो हमारे पास है 15, 8 और 17। तो इवन वाला रूल हम अप्लाई करेंगे, तो सबसे छोटा नंबर 8 है जो इवन है, तो इसका हम हाफ करेंगे जो आएगा 4, फिर उसका स्क्वायर करेंगे जो रहेगा 16, और फिर 16 के पहले एक नंबर आना चाहिए तो 15 है, और 16 के बाद एक नंबर आना चाहिए तो 17 है। तो ये पूरी तरह फॉलो कर रहा है, और 15, 8 और 17 ये जो डेट है ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉलो कर रहा है। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि आप ये वीडियो, हमने ट्रिक का वीडियो हमने ऑलरेडी बनाया है स्टूडेंट्स, आप देख लीजिए वहाँ पर जाके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें क्या लिखा है कि इफ़ ए बी सी आर साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, तो एक ट्राइंगल है और उसका साइड है ए बी सी, और ये जो 90 दिया है सपोज मैंने इसी दे दिया है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा बोला कि एंड एक रूल और एक कंडीशन और वो फॉलो कर रहा है वो ट्राइंगल, कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ये तभी होता है जब राइट एंगल ट्राइंगल होता है, तभी ये जो पाइथागोरस का फॉर्मूला आप देख रहे हो तभी वो अप्लीकेबल होता है। तो नेम द टाइप ऑफ द ट्राइंगल, फर्स्ट टाइम में आप बोल दोगे कि इसका आंसर सी है क्योंकि वो राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि ये फॉर्मूला तभी मैच होता है जब वो राइट एंगल ट्राइंगल होता है। लेकिन अगर दूसरी बात अगर देखते हो तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, मतलब तीनों डिफरेंट साइड हैं, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल कहाँ से हो सकता है, क्योंकि उसके तीनों साइड सेम होते हैं। एक्यूट एंगल ट्राइंगल आप उस ट्राइंगल को बोलते हो जिसके तीनों एंगल 90 डिग्री से कम होते हैं। यहाँ पे चलिए, यहाँ पे अपने को पता नहीं था क्योंकि फिगर नहीं दिया है, तो एक्यूट एंगल का मतलब वो ट्राइंगल जिसके तीनों एंगल 90 से कम रहेंगे, और इसको थोड़ी देर रुकते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा रहता है, या हाँ चलिए 90 डिग्री से ज़्यादा रहता है, ये दोनों ऑप्शन पे आपका कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि डायग्राम हमारे पास नहीं दिया, पर ये जो फॉर्मूला है ये पाइथागोरस का फॉर्मूला है और जो यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये फॉर्मूला राइट एंगल ट्राइंगल में ही अप्लीकेबल होता है, और इसीलिए इसका ऑप्शन सी रहेगा और ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे। अगर डायग्राम दिया होता तो आपके लिए तो 2 मिनट का काम होता था। चलिए फोर्थ क्वेश्चन फिनिश होता है, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या लिखा है कि फाइंड पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, तो आपको एक स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, और पेरीमीटर आपको मालूम है कि चारों साइड को प्लस करके जो आता है वो बताना है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, एक साइड भी मिल जाएगा तो आप चारों का साइड का मीनिंग वैल्यू बता सकते हो 4 से मल्टीप्लाई करके। तो आपको पेरीमीटर फाइंड आउट करना है सम ऑफ ऑल द साइड्स, लेकिन आगे क्या बोला कि इफ़ इट्स डायगनल इज 10√2, तो उसका डायगनल दिया है, चाहे ये डायगनल समझिए चाहे ये डायगनल समझिए, तो उसके डायगनल का लेंथ आपको दिया है 10√2 सेंटीमीटर। अब आपसे बोला है कि फिर बताइए कि इसका पेरीमीटर क्या रहेगा, अगर एक साइड का वैल्यू मिलता है तो आप 4 टाइम कर दीजिए तो उसका पेरीमीटर मिल जाएगा। अब सिंस ये स्क्वायर है आपको मालूम है कि हर एक एंगल 90 डिग्री के होते हैं, तो ये एंगल भी 90 डिग्री का रहेगा। दूसरी बात है कि हर एक साइड इक्वल होता है और आप इक्वल साइड को कोई भी एक लेटर से डिनोट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर इस साइड को हमने ए लिया तो ए ये भी हो जाएगा, ए ये भी हो जाएगा, ए ये भी हो जाएगा, तो सभी को हम क्या ले लेते हैं, ए ले लेते हैं। अब उसके बाद अगर आप इतने पार्ट पे ध्यान देते हो तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है आपको, तो अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसके अंदर पाइथागोरस का फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो, जिसमें ए सी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर रहेगा। तो ए सी के प्लेस पे आप 10√2 लिख सकते हो, तो 10√2 का स्क्वायर। आपको सब करना नहीं, आपको मालूम है ये सब रफ में आपको करना, डायग्राम विग्राम कुछ नहीं ड्रॉ करना, आप फटाफट आप कैलकुलेशन कर सकते हो, ये सब फॉर्मूले भी लिखने की जरूरत नहीं है। विच इज इक्वल टू ए बी भी ए है, बी सी भी ए है, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। 10 का स्क्वायर आपको मिल जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय रूट 2 का स्क्वायर आपको मिल जाएगा 2, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आपको मिल जाएगा 2a स्क्वायर। 10 into 2 वैसे ही रखते हैं, 100 into 2 और ये 2 यहाँ पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर, 2 और 2 कैंसिल होता है, 100 आता है। ए स्क्वायर का अगर वैल्यू 100 है तो ए का वैल्यू रूट ऑफ 100 आएगा, आपको मालूम है 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है, तो इसका आंसर आया 10। तो क्या इसका ऑप्शन ये है, तो अभी नहीं, क्योंकि आपसे साइड नहीं पूछा है, आपसे पूछा कि फाइंड पेरीमीटर, आपको एक साइड मिला है 10, तो ये भी 10 रहेगा, ये भी 10 रहेगा और ये भी 10 रहेगा, तो 10 + 10 + 10 + 10 चारों साइड को प्लस करेंगे तो पेरीमीटर आएगा, तो 10 + 10 + 10 + 10 40 मिल जाएगा, ये उसका आंसर है, तो ऑप्शन नंबर डी उसका करेक्ट है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन फिनिश होता है, सिक्स देखते हैं। तो चलिए सिक्स क्वेश्चन क्या बोला कि अल्टीट्यूड ऑन द हाइपोटनेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल डिवाइड्स इट इन टू पार्ट्स ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। तो देखिए अल्टीट्यूड ऑन हाइपोटनेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है और हाइपोटनेस ये है और उसके ऊपर आप एक अल्टीट्यूड बना रहे हो, तो ऑब्वियसली हाइपोटनेस के ऊपर अगर कोई अल्टीट्यूड आएगा उसके ऊपर, तो उसके सामने वाले वर्टेक्स आएगा यहाँ से, तो यहाँ से आपको एक अल्टीट्यूड बनाना है।
अल्टीट्यूड का मतलब है एक परपेंडिकुलर लाइन जो उसका हाइट रहेगा इस हाइपोटनेस से। तो वो क्या कर रहा है, ये जो अल्टीट्यूड है वो हाइपोटनेस को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एक ये पार्ट में और एक ये पार्ट में। और वो जो डिवीजन है, एक 4 सेंटीमीटर है ये वाला और एक 9 सेंटीमीटर है ये वाला। तो फिर आपसे उससे पहले देखिए, इसी डायग्राम को आप ऐसा भी समझ सकते हो, ट्राइंगल को अगर रोटेट करोगे तो इस तरीके का ट्राइंगल बना सकते हो जो राइट एंगल ट्राइंगल रहेगा। अल्टीट्यूड आपका इस तरफ सीधा हाइट के हिसाब से दिखेगा जो मैं आपको बता रहा था, तो ये उसका हाइट हो जाएगा। तो हम ये वाला डायग्राम नहीं देखेंगे, ये वाला डायग्राम करते हैं। तो एक पार्ट 4 है और एक पार्ट 9 है, और आपसे क्या बोला, देखिए फाइंड द लेंथ ऑफ द अल्टीट्यूड, आपसे ये अल्टीट्यूड का लेंथ पूछा है, इसका लेंथ पूछा है। तो चलिए इसको नेमिंग कर लेते हैं अपने रेफरेंस के लिए। एग्जाम में आपको ये सब कुछ नहीं करना है, एकदम फास्ट में करना है। देखिए एग्जाम में आप क्या करोगे, ये अगर हाइपोटनस के ऊपर अगर अल्टीट्यूड ड्रॉ होता है तो आपको मालूम है ज्योमेट्रिक मीन जो थियरम है, कोरोलरी है, उसका फॉर्मूला क्या होता है कि इसका स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर ये इक्वल होता है ए डी मल्टीप्लाई बाय डी सी, जो दो पार्ट है उनका प्रोडक्ट और अल्टीट्यूड का स्क्वायर ज्योमेट्रिक मीन से आपको मिल जाएगा। तो ए डी आपके पास 4 है और डी सी आपके पास 9 है, 4 9 36। अगर बी डी का स्क्वायर 36 है तो आपको तुरंत पता चल जाएगा बी डी 6 है। तो उसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है, 6 सेंटीमीटर दिया है। चलिए सिक्स क्वेश्चन फिनिश होता है, इसके बाद सेवन क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए सेवन क्वेश्चन क्या लिखा है कि हाइट एंड बेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल आर 24 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसका जो हाइट है वो आपको दिया है 24 सेंटीमीटर और उसका जो बेस है वो आपको दिया है 18 सेंटीमीटर। तो बेस का लेंथ आपके पास 18 सेंटीमीटर है। आपसे क्या बोला कि फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटनेस, तो आपको ये हाइपोटनेस का लेंथ फाइंड आउट करना है। और आपको मालूम है कि पाइथागोरस थ्योरम से ही आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर इसका देखेंगे तो आपको मिलेगा हाइपोटनेस स्क्वायर ए सी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए बी के प्लेस पे आप 24, देखिए ए बी का लेंथ आपको 24 दिया है, तो आप इसके प्लेस पे 24 का स्क्वायर लिख सकते हो। और फिर प्लस बी सी आपको 18 दिया है, तो यहाँ पे आप 18 का स्क्वायर लिख सकते हो। और हम क्या करेंगे, 24 का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। तो 24 का स्क्वायर, इसका भी वीडियो देखिए, स्क्वायर का वीडियो का ट्रिक का वीडियो भी मैंने अपलोड किया है, आपको आई बटन पे भी मिल जाएगा, वीडियो के लास्ट में भी मिल जाएगा, एंड स्क्रीन पे आप प्लीज़ फाइंड आउट करिए। ट्रिक क्या है, देखिए पहले हम यूनिट का प्लेस जो है 4, उसका 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 आएगा, जिसमें से हम पहले लिख देंगे 6 और ये 1 को कैरी रखेंगे। फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 8, 8 2 16, 16 जो है उसके अंदर इसको एक मिला देंगे 17 हो जाएगा, 17 का 7 लिखेंगे, 1 को सेम वैसे ही रखेंगे। फिर इसका स्क्वायर करेंगे, 2 2 4, 4 प्लस ये 1 कर देंगे तो 5 आ जाएगा। तो 576 इसका स्क्वायर हो रहा है, 576। इसका ट्रिक ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, आप प्लीज़ आई बटन में देख लीजिए जो अभी गया पहले, और या तो वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन भी आपको मिल जाएगा। तो अब उसी तरह 18 का स्क्वायर भी निकालते हैं। तो 18 का स्क्वायर निकालेंगे, 8 8 ज़ा 64, 4 लिख देंगे पहले, 6 को कैरी करने का है। फिर 1 8 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 के साथ ये 6 को प्लस करेंगे 22 आएगा, तो 22 का 2 यहाँ पर लिख देंगे और ये 2 कैरी होगा, मैंने उल्टा कर दिया, सर्कल यहाँ पर बनाना चाहिए था। फिर देखिए 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 1 प्लस 2 3, तो ये आ जाएगा 324, तो यहाँ पे आएगा प्लस 324। 576 और 324 को अगर आप प्लस करोगे तो 900 मिलेगा, 900 जो है वो एसी के स्क्वायर का वैल्यू है, तो देयरफॉर एसी जो रहेगा वो उसका स्क्वायर रूट रहेगा 900 का। 900 में 9 का 3 हो जाएगा, 2 0 का 1 0 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो एसी जो है वो आपको मिलता है 30, और 30 यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसका जो वैल्यू है वो है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है एट क्वेश्चन कि इन ट्राइंगल ए बी सी, ये ट्राइंगल ले लिया हमने, ए बी जो है वो 6√3 है, ए बी जो है वो आपको दिया है 6√3, और ए सी 12 सेंटीमीटर है, ए सी 12 सेंटीमीटर है, सॉरी चलिए बी सी पहले ले लेते हैं 6 सेंटीमीटर, और ए सी है 12 सेंटीमीटर, ए सी आपको दिया 12 सेंटीमीटर। फिर आपसे क्या पूछा, देखिए फाइंड मेजर ऑफ एंगल ए, आपको एंगल ए फाइंड आउट करना है, इस एंगल का आपको मेजर फाइंड आउट करना है। अब एक चीज़ आपको ध्यान देना कि हाइपोटनेस कितना दिया है 12, और एक साइड ऐसा है जो हाइपोटनेस का जस्ट हाफ है, हाफ हाफ ऑफ हाइपोटनेस 2 6 12 6 है। तो अगर एक साइड हाइपोटनेस का हाफ है और वही नंबर आपको यहाँ पे भी दिख रहा है और उसके साथ अगर √3 है, तो ये कंडीशन तभी होता है जब वो ट्राइंगल 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री वाला ट्राइंगल होता है, जिसमें हाइपोटनेस के सामने वाला 90 हो जाता है, तो दो एंगल बचता है 30 और 60। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ,
कि अगर साइड का वैल्यू जो सॉरी हाइपोटेन्यूस का वैल्यू जो भी दिया है उसमें से साइड का वैल्यू अगर उसका हाफ है और उसके बाद उस साइड का जो वैल्यू है वही वैल्यू आपको अगर अदर साइड में भी दिखता है उसके साथ रूट थ्री दिखाई देता है तो आप समझ जाइए कि ये वही ट्राइंगल है जिसका एक एंगल 30 डिग्री का होगा, एक एंगल 60 डिग्री का होगा और एक एंगल 90 डिग्री का ट्राइंगल का होगा। तो हाइपोटेन्यूस के सामने जो रहेगा वो 90 डिग्री रहेगा। तो 30 डिग्री किसके सामने होता है और 60 डिग्री किसके सामने होता है? तो 30 डिग्री जो है वो हाफ जो हुआ रहता है साइड हाइपोटेन्यूस का जो हाफ रहता है 12 हाफ है सॉरी 6 हाफ है 12 का ना कि 6 रूट 3। तो जो हाफ रहता है हाइपोटेन्यूस का उसके सामने वाला जो एंगल होता है वो 30 डिग्री का होता है, मतलब ये एंगल आपको मिलेगा 30 डिग्री। और जो दूसरा होता है रूट थ्री वाला उसके सामने जो होता है वो हो जाता है 60 डिग्री। तो आपसे क्या पूछा है? आपसे एंगल ए पूछा है। तो एंगल ए यहाँ पे मिलेगा आपको 30 डिग्री क्योंकि उसके सामने वाला जो साइड है वो हाइपोटेन्यूस का हाफ है। 30 60 90 डिग्री का यही रूल है स्टूडेंट्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है 30 डिग्री। तो चलिए ये वीडियो यहाँ पे फिनिश होता है। 8 क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 1 का कंप्लीट होता है, पार्ट 1 यहाँ पे फिनिश होता है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।